रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 6 में आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर प्लस वर्कबुक। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, गिव शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज एटॉमिक नंबर, हेडिंग देंगे एटॉमिक नंबर की, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन वैलेंसी, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल आइदर विद सेम आर डिफरेंट एलिमेंट इज नोन हैज वैलेंसी। यानी हमारे पास जो एटम के कंबाइन कैपेसिटी होती है सेम एटम के साथ या डिफरेंट एलिमेंट के साथ, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स हमारे पास क्या है, एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड आइसोटोप्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास डिफाइन लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, हेडिंग देंगे लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, दिस लॉ स्टेट दैट एवरी सैम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एन एटम, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, हेडिंग देंगे एटम की, तो एटम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर एंड कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो एटम इज मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ सब पार्ट एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटोन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस वाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। साथ ही आपने डायग्राम भी बनानी है। डायग्राम में हमारे पास न्यूक्लियस है जिसके हमारे पास सेंटर में, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, जबकि आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास जो न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास जितने भी शेल है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। हाउ कैटायन एंड एनायन आर फॉर्म्ड, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, when an atom loses electron it form a positive ion called cation। जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कैटाइन में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम पोटाशियम। फॉर्मेशन ऑफ एनायन, when an atom gain an electron it form a negative ion called anion। एग्जाम्पल हमारे पास है क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो हमारे पास ये क्या हो जाते हैं, क्लोराइड आयन और फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। तो हमारे पास आइसोटोप्स मेडिसिन में यूज़ होता है, कोबाल्ट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड फॉर ट्रीटिंग गोइटर हमारे पास आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन इज यूज्ड। एंड आइसोटोप्स ऑफ कार्बन इज यूज, कार्बन 14 इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ ऑल मटीरियल लाइक ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस शेल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट अ शेल कैन एकोमोडेट इज डिटरमाइंड बाय द फार्मूला 2n, हमारे पास पावर क्या होती है 2, वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल। फॉर द फर्स्ट शेल यानी k शेल n इज इक्वल टू 1, यूज फार्मूला 2n स्क्वायर। 2 हमारे पास n क्या है, 1 है स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होते हैं 2, यानी फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेम हम इसी फार्मूले के ज़रिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सो ऑन जितनी भी हमारे पास शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज फार्मूलेटेड। स्टेप फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला, राइट डाउन द सैम्पल फॉर ईच एलिमेंट कैल्शियम, यानी हमारे पास क्या कहते हैं, सबसे पहले स्टेप है कि सैम्पल लिखेंगे, यानी कैल्शियम क्लोराइड है तो हम कैल्शियम और क्लोरीन का सैम्पल लिखेंगे।
पुट देयर वैलेंसीज ऑन इट्स टॉप राइट साइड। सेकेंड स्टेप में हमारे पास जो इनकी वैलेंसी होगी उसको राइट साइड पे टॉप पे लिखेंगे। कैल्शियम की हमारे पास क्या होती है, प्लस टू वैलेंसी है, और क्लोरीन की हमारे पास वन वैलेंसी होती है, तो माइनस वन। सेकेंड हमारे पास जो थर्ड स्टेप ये है कि इंटरचेंज करेंगे वैलेंसी नंबर ऑफ बोथ आइंस एंड राइट देम ऑन लोअर साइड राइट साइड, यानी हम जो वैलेंसी होगी उसको क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज का मतलब है जो कैल्शियम की होगी वो हम क्लोरीन के साथ लिखेंगे और क्लोरीन की कैल्शियम के साथ, तो हमारे पास और राइट साइड के बॉटम भी हम यानी लोअर साइड पे लिखेंगे। तो कैल्शियम के हमारे पास क्लोरीन की वन है तो कैल्शियम सेम, और क्लोरीन के हमारे पास कैल्शियम की आएगी तो उसके साथ टू लिखेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम क्लोराइड बना। वर्कबुक हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, फिल इन दी ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर वन है एटम इज अ डैश पार्टिकल, तो एटम हमारे पास क्या पार्टिकल है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। प्रोटोन आर डैश चार्ज पार्टिकल, प्रोटोन पे हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो प्रोटोन हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन डैश, न्यूट्रॉन एटम में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। द वर्ड एटम इज़ अ डैश वर्ड, एटम हमारे पास क्या है, ग्रीक वर्ड है। A number of proton in the nucleus of an atom is called number of proton, हमारे पास क्या होते हैं, atomic number. Atomic number of sodium is 11. Atom as a whole is a dash particle, तो atom as a whole is a neutral particle. Dash is the sum of proton and neutron, तो atomic mass हमारे पास क्या होते हैं, sum of proton and neutron. इलेक्ट्रॉन आर डैश चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन कैरी डैश चार्जेस, न्यूट्रॉन पे कौन से चार्ज होते हैं, तो न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन शेल अकॉर्डिंग टू जर्नर फार्मूला 2n². क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर वन, अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल एनायन, तो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल एनायन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल ऑफ एन एटम इज 10, तो हमारे पास ये फॉल्स है, मैक्सिमम कैपेसिटी थर्ड शेल की 18 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम आयन जो हमारे पास आयन है इज अ कैट आयन वेयर हैज NO3- आयन इज एन एनायन, तो यह हमारे पास क्या है, ट्रू। सोडियम हमारे पास कैट आयन है क्योंकि इस पर पॉजिटिवली चार्ज है और हमारे पास इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो यह हमारे पास एनायन है। आइसोटोप्स हमारे पास जो कोबाल्ट का है इज यूज इन दी कैंसर ट्रीटमेंट, ट्रू। आइसोटोप्स आर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफर इन प्रोटोन नंबर, तो ये हमारे पास फॉल्स है। कॉलम हमारे पास है, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी एंड राइट इन कॉलम सी। कॉलम ए हमारे पास है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन एंड नंबर ऑफ प्रोटोन। कॉलम बी में हमारे पास है कैटाइन, H2O, CO2, एटॉमिक नंबर एनायन, तो वाटर का हमारे पास फार्मूला क्या है, H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला हमारे पास क्या है, CO2। पॉजिटिव आयन, तो हमारे पास पॉजिटिव आयन हमारे पास क्या होते हैं, कैटाइन। नेगेटिव आयन हमारे पास एनायन, और नंबर ऑफ प्रोटोन हमारे पास क्या कहलाते हैं, एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास, चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, द कंबाइनिंग कैपेसिटी आर स्ट्रेंथ ऑफ एटम टू फॉर्म बॉन्ड इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। हाइड्रोजन हैज डैश आइसोटोप्स 2, 3, 4, 5, तो हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। फर्स्ट शेल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट शेल में हमारे पास मैक्सिमम
टू इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड शेल यानी एल शेल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन 8, 10, 12, 14। तो हमारे पास क्या होते हैं, सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। थर्ड शेल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन 12, 14, 16, 18। तो हमारे पास आंसर क्या है, 18। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है।